हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइट फिट टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की परीक्षा जो बिहार बोर्ड के क्लास 12th में होने जा रही है, तो उसमें मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो मॉडल पेपर से क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं इन सभी सवालों को। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर इसका ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो सही उत्तर है मात्रात्मक क्रांति, या मानव भूगोल का उपागम नहीं है। किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? सही उत्तर है एलन सी सैंपल। तो एलन सी सैंपल महोदय ने ये बात कही थी। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो सही उत्तर है राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल का ये क्षेत्रक है। निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें म्यांमार, लाओ, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश आते हैं। तो निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो सही उत्तर है शैक्षणिक सुविधाएं, यह इसका उत्तर सही होगा। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अफ्रीका में है। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो अगर सही बताया जाए तो ये 50 करोड़ जनसंख्या थी 1650 ईस्वी में पूरे विश्व की। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो सही उत्तर है 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के। और निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है अगर ये देखा जाए? तो सही उत्तर है लैटविया। लैटविया की लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? सही उत्तर उपयुक्त सभी, ये सभी आते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है? तो सही उत्तर है इसका डॉक्टर महबूबुल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री रहे हैं, इन्होंने इस सूचकांक का प्रतिपादन किया था। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो सबसे उच्चतम कोटि में आता है नॉर्वे, इसका स्थान पहले स्थान पे है। आखिर में आता है नाइजर। भारत का स्थान 131वां है, भारत 131 पोजीशन पे है। फूलों की कृषि कहलाती है, तो पुष्पोत्पादन जिसे फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है, पुष्पोत्पादन। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो अधिक सफल रही है कहाँ? तो डेनमार्क में कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत सफल रही है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? सही उत्तर है रबड़। भारत में सबसे ज्यादा यह केरल में उत्पादन होता है रबड़ का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वहां पर। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि जिसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, कहीं इसे झूम के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो सही उत्तर है लौह प्रगलन, तो यह मैन्युफैक्चरिंग का काम, यह द्वितीयक में आता है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? सही उत्तर है जूट, यह कृषि आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग अगर देखा जाए तो कागज, कागज उद्योग वन आधारित है क्योंकि वन से हमें चीजें मिलती हैं। खनन क्रियाकलाप अगर देखा जाए तो यह प्राथमिक क्रियाकलाप है, खनन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है? तो पंचम में आउटसोर्सिंग यानी बाह्यशोधन, ये कार्य पंचम में आएगा। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व अगर देखा जाए कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है सघनतम घनत्व। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो यह उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग से संबंधित है, इसे बिग ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? तो एथेंस, एथेंस आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है। लेनिनग्राद किस प्रकार का पत्तन है? अगर लेनिनग्राद की बात करें तो यह वाणिज्यिक पत्तन है लेनिनग्राद। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। चैनल टनल जोड़ता है, तो यह टनल जोड़ता है पेरिस को लंदन से। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो सही उत्तर है वेनेजुएला, या ओपेक का सदस्य है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन के अगर मुख्यालय की बात की जाए कि यह मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर है माउंट वीडियो,
तो ये सही उत्तर है, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय ये यहाँ पर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? सही उत्तर है प्राथमिक, यह ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो सही उत्तर है पिट्सबर्ग, यह औद्योगिक नगर है। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? तो अब इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, यह इथोपिया की राजधानी है। निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? सही उत्तर है सिंगापुर, यह परिवहन नगर है, वर्ल्ड क्लास परिवहन की यहाँ सुविधा है। निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? तो सही उत्तर है कैनबरा, यह नियोजित नगर है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? सही उत्तर है चीनी तिब्बती, इनकी जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सही उत्तर है सिक्किम, सिक्किम की जनसंख्या 610,577 है मात्र, और सबसे ज्यादा यूपी की, उत्तर प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? सही उत्तर है बिहार, 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, यानी सबसे ज्यादा अप्रवासी कहाँ आते हैं? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बिहार और यूपी से प्रवासी सबसे ज्यादा वहां पर आते हैं। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, तो पुरुष प्रवास की अगर बात की जाए तो गांव से शहर यानी ग्रामीण से नगरीय प्रवास हमें देखने को मिलता है, लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में अगर देखा जाए तो भारत के किन राज्यों की अगर कोटि उच्चतम पूछी जाए कि सर्वाधिक कोटि उच्चतम किसकी है, तो हम सही उत्तर देना चाहेंगे इसमें केरल का, केरल का इसमें सबसे उच्चतम है, केरल राज्य सबसे आगे है इसमें, और फिर बाद में पंजाब का नंबर आता है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो उनकी पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, नौसी है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उत्तम है? तो सबसे उत्तम अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये सही उत्तर है इसका, लक्षद्वीप साक्षरता दर में लक्षद्वीप सबसे उत्तम है। अगर राज्य में बात करें तो केरल, और सबसे कम तो बिहार। निम्नलिखित नगरों में कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? सही उत्तर है भोपाल, यह नगर पर नदी के तट पर उपस्थित नहीं है नगर। निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? खनन नगर की बात करें तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है यह। हरित क्रांति संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, 1960 के दशक में आरंभ हुआ, एम एस स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कॉफी, यह पेय पदार्थ है, यह रेशेदार फसल नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय का उत्पादक नहीं है? सही उत्तर है राजस्थान, राजस्थान चाय का उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? खाद्यान्न की अगर बात करें तो मक्का या खाद्यान्न में आता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास का उत्पादक नहीं है? यहाँ कपास की बात की जा रही है, और कपास कहाँ होता है? तो यह काली मृदा में होता है, तो यह संभव ही नहीं है कि यह हिमाचल प्रदेश में हो। तो सही उत्तर है हमारा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? सही उत्तर है NH-44, पहले NH-7 था, अब NH-44 है। जल क्या है? तो जल एक अनवीकरणीय संसाधन है, यह सही उत्तर होगा। केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है जल संरक्षण से, जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है यह। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो सही उत्तर है इसका तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो हीराकुंड परियोजना अवस्थित है उड़ीसा में, और ये भारत का सबसे लंबा बांध भी है, हीराकुंड महानदी पर है। निम्नलिखित राज्यों में किस में काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो सही उत्तर है गुजरात, गुजरात में ये अवस्थित है। खेतड़ी तांबा क्षेत्र किस राज्य में है? तो सही उत्तर है राजस्थान, या राजस्थान में अवस्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र एक सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो सही उत्तर सिंगरौली, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में है, बाकी तीनों झारखंड में है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो सही उत्तर है असम, असम में भारत का सबसे पुराना तेल का कुआं है डिगबोई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सही उत्तर 1991 को किया गया था।
निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है? तो सभी होने चाहिए, इनमें से सभी, पूंजी भी, बाजार भी, ऊर्जा भी। भारत में वायु परिवहन की सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में चली थी। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है? ईस्ट चंचल रेलवे का, तो यह हाजीपुर, हाजीपुर इसका मुख्यालय है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यह सही उत्तर है। तूतीकोरिन पत्तन स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है तमिलनाडु, तमिलनाडु में यह स्थित है तूतीकोरिन पत्तन। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से एसिड रेन होता है। 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो सही उत्तर है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये सही उत्तर है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत अगर देखा जाए तो सभी हैं, मोटर वाहन उद्योग, लाउडस्पीकर, ये सभी। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं प्रवास के लिए, सही उत्तर है प्रवास। तो हमारी आप सभी से यही शुभकामनाएं हैं कि आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो, आप सभी बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। ब्राइट वे टीचिंग सेंटर की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।